यूएसडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने चैनल के बारे में। तो बहुत सारे डिजाइनर्स ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ईवेक्स का प्रोसेस के बारे में, वायर फ्रेमिंग के बारे में, स्केच टूल्स के बारे में, फोटोशॉप के बारे में, इलस्ट्रेटर के बारे में और भी बहुत सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और जो बंदे जो डिजाइनर्स नए हैं उनके लिए मैं ये ऑफर देना चाह रहा हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोज के लास्ट में आप देखने के बाद शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ये अगर यूजफुल होगा आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं अपने चैनल्स पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें आपको मिलेंगे यूट्यूब से रिलेटेड गाइडलाइंस और डिजाइंस के जितने भी सारे टूल्स हैं जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, स्केच, इनविजन्स और लिसिट चार्ट, मार्बल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टूल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और बहुत सारे टूल्स का बताने का कोशिश कर रहा हूं। और अभी एक्चुअली मेरा चैनल जो है वो बहुत ही न्यू है और अभी हमारे करीब करीब 160 सब्सक्राइबर ऑलरेडी विद इन 2 मंथ्स के अंदर इतने बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप भी कर लेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चैनल्स के बारे में कि चैनल्स पे क्या क्या मैं फ्यूचर में वीडियोज पब्लिश करने वाला हूं। तो इस पे आपको मिलेंगे सबसे मेन पॉइंट है हमारा ईवेक्स टूल्स के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको ईवेक्स का करियर कैसे स्टार्ट किया जाता है और डिजाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है, यूआई यूएक्स डिजाइनर क्यों हर ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारे चीजें मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर का जो एक स्टैंडर्ड सैलरी होता है वो वर्क बहुत, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्क बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क भी होता है बट उसमें सैलरी का कहीं ना कहीं इश्यूज होता है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो अगर या फ्रेशर है, आपने जॉब किया ही नहीं, कहीं पे पढ़ाई थोड़ा मोड़ा जानते हैं कोई टूल्स के बारे में, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और यदि वैसे बंदे जो अभी तक कहीं पे डिजाइन का कोर्स किए ही नहीं है तो उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मेरा जो चैनल्स है उस पे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेंगे। और अगर वीडियो में कोई भी कमेंट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है तो आप वीडियोज में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आने वाले दिन में मैं आपको स्काइप पे या हैंगआउट पे या कोई भी फेसबुक पे लाइव चैट आपके साथ आने वाला हूं जो कि आप मैसेज करेंगे और रियल टाइम मैं आपको रिप्लाई देते रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और पसंद होगा जो भी वीडियोज मैं इस पे अपलोड करता हूं। और रीजनेबल जो भी प्रॉब्लम होता है यूआई यूएक्स से रिलेटेड, कैसे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें यूएक्स के प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए करियर कहां से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे वीडियो पे। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर डिजाइन का करियर स्टार्ट करना है तो आपको कम से कम एक टूल्स आपको जानना जरूरी है जिसमें आपको अगर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता है तो स्केच बहुत ही इजीली आसानी से एडोबी एक्सडी आप सीख सकते हैं। और ये ग्राफिक डिजाइन टूल्स जो हैं बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप डायरेक्ट डिजाइन अगर सीखना चाहते हैं तो आप स्केच और एडोबी एक्सडी सीख सकते हैं क्योंकि ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से बहुत ही
सीखना आसान है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो हमारे लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करूंगा और जिस पे आप कॉल करके डायरेक्ट हेजिटेशन दूर कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई जो सीनियर बंदा है जो कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहा है हमारे वीडियो बॉक्स पे, प्लीज जो ऑलरेडी कुछ पॉइंट जानते हैं तो वो भी शेयर करें, जिनको पता नहीं है उनको भी बताएं कि यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कमेंट बॉक्स में मैं टाइप करूंगा। तो दोस्तों और भी मैं बता देता हूँ कि ईवेक्स का प्रोसेस जो होता है और ईवाई का जो प्रोसेस होता है काफी डिफरेंट है। लोग सोचते हैं ईवाई और ईवेक्स दोनों है। सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो कन्वर्ट होना चाहिए ईवाई और ईवेक्स में, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन और ईवाई डिजाइन में थोड़ा सा मैं माइनर डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि ईवाई डिजाइन जो होता है वो एक इंटरफेस डिजाइन होता है जो इसका विजुलाइजेशन इमोशनल डिजाइन होता है, और जो ग्राफिक डिजाइन होता है वो स्टैटिक पेज होता है। जैसे कि कोई भी बैनर देखते हैं, एड देखते हैं, ये जो होता है ग्राफिक डिजाइनर है। ग्राफिक डिजाइन का मतलब स्टैटिक पेज हो, वो डायनेमिक नहीं है। नेक्स्ट फेज में टैप करने पे क्या होगा ये ग्राफिक डिजाइनर को पता नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है कि इसमें इंट्रैक्शन नहीं होता, जबकि ईवाई डिजाइन में इंट्रैक्शन से रिलेटेड डिजाइन कंसिस्टेंसी पे बहुत ही ध्यान देना होता है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर कोई स्क्रीन पे है मोबाइल ऐप पे और जैसे ही कोई बटन पे टैप करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन का जो लुक एंड फील होगा उसका डिजाइन प्रीवियस डिजाइन जो करेंट डिजाइन है उससे प्रीवियस वाला डिजाइन से मैच होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी होता है। तो ये सारे की सारे चीजें आपको ध्यान देना जरूरी होता है। आइए ईवाई ईवेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं। ईवाई ईवेक्स में ईवाई जो होता है, ईवाई जब आप क्रिएट करते हैं तो चार पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक तो आप जहां पे कलर यूज कर रहे हैं उनकी कलर की हायरार्की को जानना जरूरी है, अगर आप उसके बाद फॉन्ट को जानना जरूरी है। एलाइनमेंट कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी कंटेंट कहाँ पे आएगा, एलाइनमेंट उसके बारे में आपको बताना है। और पैडिंग कितना होगा, एक एलिमेंट्स को अगर डिजाइन पे आप एसेट्स को रख रहे हैं तो उस एसेट्स पे कितना डिफरेंस होना चाहिए एक दोनों के बीच में। एक लेआउट मान लीजिए दो बटन्स है तो दो बटन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या कोई कंटेंट है ऊपर में इमेजेस है, कॉल टू एक्शन बटन है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि उस पे आपको ध्यान देना होगा। और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में मैंने कुछ कुछ बताया भी है। और दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लैपटॉप मैक का नहीं है, जिसके कारण आपका वीडियोज में कहीं ना कहीं लेट हो रहा है। स्केच और एडोबी एक्सटी का ईवेक्स का प्रोसेस मैं लगातार बताते जा रहा हूँ, और अभी बहुत ईवेक्स का कोई स्कोप लिमिट नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मुझे बताना है, और मुझे इतने माइंड में अभी सेट है कि मैं उतना बता नहीं पा रहा हूँ। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं बट हमारे पास टाइम का इश्यूज है। तो हमारे चैनल को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको शायद अपने लाइफ में बेनिफिट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं तभी आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर सकते हैं, या पैसे लगाने के बाद ही पैसे कमा सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ये प्रोमिस करता हूँ कि मेरे चैनल पे आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे, और कहीं भी आपको कमेंट बॉक्स में होगा तो आप रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। मैं आपको रिप्लाई जितना एज सुन एज पॉसिबल होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके बाद मैं ईवेक्स की बात बता रहा था, तो ये आपको बता दिया कलर ग्राफी, कलर का जो थ्योरी होता है उस पे ध्यान देना होता है ईवाई में, फॉन्ट पे ध्यान देना होता है, लेआउट का अलाइनमेंट पे ध्यान देना होता है कि किस तरह से कहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको देना है आइकनोग्राफी पे भी ध्यान देना है। तो ये सारे के सारे ईवाई पॉइंट्स ऑफ व्यू से हो गया। उसके बाद स्लाइसिंग एसेट्स वगैरह जो डेवलपर को प्रोवाइड करते हैं वो भी ईवाई का पार्ट होता है। ईवेक्स के पार्ट में आपको बताता हूं कि ईवेक्स डिजाइनर और ईवेक्स रिसर्चर दो पॉइंट होता है। ईवेक्स रिसर्चर का जो रोल होता है
और यूआई डिजाइनर ईवेक्स डिजाइनर का जो रोल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ईवेक्स रिसर्चर का मतलब होता है कि कोई भी आपका डेवलपमेंट टीम का मैनेजर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो वो ईवेक्स के रिसर्च कर सकता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन कर सकता है। और ईवेक्स का जो बंदा है, ईवेक्स का बंदा जो है उस पे आपको रिसर्चर का जो वर्क करता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि बैकएंड से डेटा जो आएगा वो किस तरह का डेटा आएगा, क्या दिखेगा आपके स्क्रीन पे। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर जो आईओएस डेवलपर जो बीटेक करके आते हैं बंदे और आईओएस पे जो डिजाइन बनाते हैं तो उनका बैकएंड पे टोटल का इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपको डिपेंड करता है। तो बैकएंड पे जो डेटा आपको डिजाइन पे, सपोज दैट शॉपिंग का एप्लीकेशन बना रहे हैं और या एंटरटेनमेंट का एप्लीकेशन या इवेंट या कंसर्ट से रिलेटेड आपको ये एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस पे टोटल इंफॉर्मेशन आपको बैकएंड पे डिपेंड करता है कि बैकएंड से डेटा को क्या क्या हमें फेच आउट करके यहाँ पे शो करना है डिस्प्ले स्क्रीन पे, तो उस पे भी डिपेंड करता है। ईवेक्स के बारे में और भी आपको जानकारी ये देना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन बंदा या कौन से यूजर हैं जो यूज करेंगे, यूजर को क्या चाहिए, यूजर को नीड्स क्या है, आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं क्या ये मार्केट में बेनिफिट होगा, लोग इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में पूरे ईवेक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि इस तरह से नॉलेज को बताना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और एक शॉर्ट में आपको बता दूं ईवाई यूएक्स से रिलेटेड स्क्रीन्स के बारे में, तो ईवाई एक इमोशनल पार्ट होता है जबकि ईवेक्स एक जो होता है रिसर्चर पार्ट होता है, इसमें रिसर्च करते हैं। एक ईवेक्स रिसर्चर और ईवेक्स डिजाइनर का जितना भी एप्लीकेशंस में जर्नी होता है, कैसे कैसे नेविगेट करेगा, क्या करेगा, ये सारे के सारे चीज डिपेंड करते हैं। कहाँ पे कौन सा एलिमेंट को सेट करना है ये ईवेक्स रिसर्चर का काम नहीं है। ईवेक्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कैसे आएगा, उसका रिप्लाई कैसे होगा, कहाँ पे क्या यूजर को इंडिकेट करना है, क्या बताना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये सारे के सारे जो वर्क है वो ईवेक्स प्रोसेस के अंदर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक बेटर माना जाएगा, क्योंकि गाइडलाइन जो होता है बहुत डिजाइनर को पता नहीं होता है कि क्या करना है। तो इस तरह का हम वीडियो बीच बीच में जो है आपको डालते रहेंगे, आपको देखते रहना है कि कहां पे क्या इश्यूज हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताते रहूंगा और आपको थोड़ी बीच बीच में आपको एंटरटेनमेंट हर वीक में एक इस तरह का वीडियो मैं डालूंगा टेक्निकल से हटके थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया होगा कि मुझे ये चीजें करनी जरूरत है। मैंने बहुत सारे डिजाइनर्स को कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, कभी कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दीजिए, कुछ कन्फ्यूजन्स है जिसे रिमूव करना है, तो मैं उन्हें बोला हूँ कि जिन्हें भी नंबर चाहिए, क्योंकि नंबर मैं कमेंट बॉक्स में नहीं डालना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाता है, उस तरह से बार बार कॉले आने लगती हैं, तो इसलिए जिन्हें फोन नंबर चाहिए उन्हें मैं पर्सनली एक ईमेल आईडी मांगता हूँ और ईमेल आईडी पे आप ये कर सकते हैं। ऐसे मैं आने वाले दिनों में जैसे बता रहा हूँ कि मैसेंजर और मैसेंजर के बाद स्काइप पे कॉल करेंगे, हैंगआउट पे करेंगे, जिसमें आप फेस टू फेस हमें डिस्कस कर सकते हैं, तो इस तरह का आपको बेनिफिट देने जा रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को आप लोग ध्यान रखें, चैनल आपका है और अगर आप प्रमोट करते हैं चैनल को हमारे तो और लोगों को पास शेयर करते हैं तो और भी ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों थैंक यू।